जिमिन, जब हम निकलेंगे जो जिमिन तक वो भाग के जाता है और फिर हम वहाँ ना उस जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पे ना देखने लगता है कि कुछ पर्सन आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं कर करके ना वो जिस पर्सन का वेट करा वो नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल से ना एक हैंडसम सा ना टॉल पर्सन आता है और फिर ना उसके अंदर फिर एक बहुत प्यारी इसकी गेम स्टाइल आती है और वो आता है और जैसे ही जो जिमिन उस पर्सन को देखते तो फौरन भाग जाते हैं उसको ना ब्राइडल स्टाइल में उठा लेते हैं और ना फुल ना वहाँ ना उसको ना घुमाने लगता है, तो फिर वो जो पर्सन ना हंसने लग जाता है और जिमिन को रोकने के लिए कहता है, बट जिमिन तो वो ना और भी ज़्यादा तेज हो जाता है, जैसे ही उसको नीचे उतारता है उस पर्सन को ना फुल चक्कर आ रहता है और जिमिन उसकी वेस्ट को टाइटली पकड़ता है, उसकी नेक के पीछे हाथ रखता है और उसको ना किस करने लग जाता है और जो वो पर्सन होता है भी किस बैक करता है और फिर दोनों पीछे हटते हैं और फिर ना जो वो पर्सन होता है वाला सवाल करता है, वो कहता है कि ना सो मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना ज़्यादा मिस किया, तो फिर ना कहते यस वाइफी 5 ईयर्स तुम उससे दूर रहे, तो फिर ना जो जिमिन होता है ना जो यूंगी होता है वो चक्कर कहते हैं, वो कहते हैं सिर्फ 5 ईयर्स थे और हम रोज़ाना बात करते थे और रोज़ाना भी इतने मल्टीपल टाइम्स वो भी वीडियो कॉल, तो कहते कि ना वीडियो कॉल और मिलने में वो बात ही है ना, इस तरह बोलते हैं अपना उनकी तरफ देखने लगते हो, कहते हैं ना बेबी तुम और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया, तो फिर कहते हैं ये बात तुम मुझे हमेशा बोलते हो, इस तरह बोलते हैं अपना उसका फेस रेड हो जाता है, उसके उस टाइम में पाकिस्तान BTS मेम्बर्स भी आ जाते हैं और वो भी जिमिन को ना हक करते हैं और फिर उसको ग्रीट करते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं ना 2 आवर्स बाद का सीन जहाँ पर सब मेंशन भी होता है और मेंशन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट किया होता है, जिसको देखे ना जो यूंगे तो वो स्मैन करते हैं, फिर हम यूंगी क्या ना जिमिन की तरफ देखते हैं और फिर ना जो जिमिन वो कहते हैं ना सो मैं बेबी तो तुम्हें कैसी लगी डेकोरेशन, तो फिर कहते बहुत अच्छी लगी अभी वैसे बोलते हैं, और फिर ना जो जिमिन होता है वो स्माइल करता है और कहते हैं अच्छा, उसके बाद फिर ना उसको रूम में लेके जाते हैं और फिर ना वहाँ पे ना फुल रूम ऐसे डेकोरेट हुआ था जैसे आज होंगे ना वेडिंग नाइट हो, तो ये देखे ना जो जिमिन यूंगी होता है उसको ना अपनी ना वेडिंग डे याद आ जाता है, और गाइस अब फिर से हम फ्लैशबैक में चलेंगे जहाँ पे ना हमने देखा था कि जो यूंगी था उसने ना जिमिन को बोला था कि वो अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना चाहता है, तो जिमिन उसके लिए मान गया था, तो अब हम देखते हैं वन वीक बाद का सीन जहाँ पे ना जो यूंगी होता है उसके लिए ना सा वीज़ा हर चीज़ रेडी करवा दी जाती है, बिकॉज अब वो ना जा रहा था US जो यूंग जिमिन चाहता था कि जो उसका बेबी है वो अच्छे से स्टडी करे अपने सारे ना ड्रीम्स को वो करे पकड़ ले और सारे ड्रीम्स को ना फुलफिल करे, तो उस वजह से ना वो उसको ना अच्छे से अच्छी वो देना चाहता था स्टडी, तो उसको ना US भेजते हैं, बट वो उसके दिल पे पता रखे बिकॉज उसको 5 ईयर्स तक दूर रहना था उससे, और जिमिन यूंगी भी इसके लिए पूछे तो वो था फिर ना जो यूंगे तो वो ना जिमिन की तरफ देखते और फिर कहते कि ना तुम मेरे पकड़ कैसे रहोगे, तो फिर ना जो जियोगे तो वो कहते मैं एक हम तो मैं नहीं चाहता, तो फिर ना ये सुन लिया ना जो जिमिन तो उसका एजेंट हो जाती, कहते नहीं तुम जाओ तुम अपने ना अचीव करो अपने ड्रीम्स को अचीव करो अपने सारा गोल्स को, तो फिर ना कहते बट तो फिर ना जो गैंग होता है वो कहते तुम्हें डर किस चीज़ का, तुम किस लिए नहीं जाना चाहते और तुम किस लिए डर रहे हो, तो फिर कहते हैं ना फर्स्ट हम इतने टाइम तक दूर रहेंगे और फिर ना ये कहते ना यूंगी आगे छुप हो जाता है और फिर ना वो जिमिन की तरफ देखने लगते हैं, फिर कहते हैं ना मुझे तुम्हें फुल ट्रस्ट है बट मुझे इनसिक्योरिटीज़ है, तो फिर ना जो जिमिन होता है वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते किस बारे में बेबी वैसे बारे में, तो कि अगर तुम्हें मुझसे कोई अच्छा मिल गया मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई मिल गया तो ये समझे जो जिमिन होता है उसको ना गुस्सा आ जाता है और ना जूंगी को पकड़ लेते हैं और कहते कि ना तुमसे ज़्यादा अच्छा इस दुनिया में अगर कोई है भी ना तो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम अच्छे हो, तुम बेस्ट हो, तुम बेस्ट इन्फिनिटी हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो और मुझे कभी कोई पसंद नहीं आएगा, तो फिर ना जो जो यूंगी होता वो कहते हैं फिर भी, तो फिर ना जो जिमिन होता वो कहते हैं कि ना डैड ठीक है मुझे भी इस तरह की इनसिक्योरिटीज है कि ना अगर तुम्हें मुझसे कोई अच्छा मिल गया तो हम एक काम करते हैं, तो फिर ना सारे उसकी तरफ देखने लगते हैं और फिर ना जो नामजीत और नतीको की तरफ ना जो वो देखते हैं और फिर कहते हैं कि ना आप सबकी ना वेडिंग होने वाली है, आप तीनों की आप सबकी वेडिंग्स होने वाली हैं, 3 वेडिंग्स होने वाली है जो 1 वीक बाद 1 मंथ बाद जब जो हाँ 3 वेडिंग्स होने वाली है वहाँ 4 वेडिंग्स होगी, मैं भी यूंगी को अपना हस्बैंड बना लूँगा और उसी दिन वैसे भी यूंगी की फ्लाइट है बैठी, तो फिर ना यहीं से ना फिर हम चले जाएंगे,
जुगी को ड्रॉप करेंगे एयरपोर्ट के लिए, तो सारे सिल मार भी जाते हैं और जुगी तो फर्स्ट शॉक हो गया था, बट उसको अच्छा लगता है ये डिसीजन। और हम देखते हैं मन पास का सीन, जहाँ पे सबकी ना वेडिंग्स हो जाती है, वहाँ वायन और जियो की, वायन जियो और ना बाकी सबकी। और जो वायन थी वो एक्चुअली ना अपने करियर को पशु करना चाहती थी, जिसकी वजह से ना वो उसमें ना जो बेबी कैरी करने में ना कुछ टाइम लेती है, उसका ना 4 ईयर्स का टाइम ले लेती है वो, बिकॉज वो अपने ना गोल्स को वो अचीव करना चाहती थी, और जिसके लिए जो भी राशि था। और यहाँ पे ना नामजी की मेरी चर्चा थी, जो उनके ना जो पहले बहुत ज़्यादा टाइम से ना बॉयफ्रेंड्स थे, तो अब वो ना एक दूसरे का कंट्रोल नहीं कर पाते एक दूसरे के लिए अपने लस्ट को। और उसके बाद जो देखो को थे उनके भी मैरिज थी, और उनका भी सेम ये हाल था। और जो जिमिन था वो ना बहुत ही भारी मन से ना युंगी को ना भेज देते हैं उसके खुद के गोल्स को ना अचीव करने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जुंगी था वो फिर वहाँ से चला जाता है, और अब वो जब अपने रूम में आता है तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट हुआ होता है, और वो ना युंगी ना जिमिन की तरफ देखते हैं, और जो जिमिन होते हैं वो कहते हैं बेबी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जो जिमिन युंगी तो वो भी स्मार्ट कहते हैं, कहते हैं मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ हस्बैंड, बोलता है दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, और फिर ना किस करते हैं ना वो घूमते घूमते बेड पे आ जाते हैं। और जो जिमिन युंगी होता है वो ना नीचे होता है, उसके ऊपर ना युगी होता है, और युगी होता है नीचे, उसके ऊपर ना जिमिन होता है, और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। और जो जिमिन होता है वो ना स्लोली ना सारे बटन्स को खोल देता है, और ना जिमिन को ना किस करो, जिमिन ना किस करा थे युगी की नेक पे, उसकी फुल बॉडी पे किस करने स्टार्ट कर देता है। और जो युगी तो वो मौन कर रहा होता है, और उसके बाद जो वो होता है उसका हाथ ना जो जिमिन होता है वो अपना हाथ ना जुंगी की ना पैंट्स में ले जाता है, और उसको ना देखता है तो ना स्माइल करता है, और उसकी ना फुल बॉडी को ना देखने लगता है, बिकॉज अब वो जो युंगी था वो पहले वाला युंगी थी था, उसकी फुल बॉडी बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी, तो फिर बहुत ज़्यादा मिल्की वाइट स्किन थी। अब वो उसके ना जिससे देखे ना उसकी आइज बहुत ज़्यादा लस्ट आ जाता है, और ना युंगी को घूर के देख रहा होता है, तो फिर ना युंगी को शाय फील होता है, कहते हैं हस्बैंड ऐसा बोलता है, फिर ना जो युंगी जिमिन होता है उसके बाद उसकी तरफ देखते हैं, और कहते हैं कि ना हस्बैंड में एक नया नाम होगा तो मुझे वही देना है। तो फिर ना जो युंगी होता है अब वो इनोसेंट ज़्यादा नहीं रहा था, उसने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली थी युंगी को, युंगी ने जिमिन को प्लेजर देने के लिए। तो फिर बोलते हैं हम तो कैसा रहेगा कि मैं आपको डैडी बुलाऊँ, तो फिर ये सुन के ना जो युंगी तो जिमिन शौक हो जाता है, कहते तुम्हें किसने बोला, तो फिर कहते हैं ना डैडी मैंने आपके लिए सीखा इस तरह बोलता है, और उसको ना नीचे बैठा देते हैं, उसके ऊपर आके बैठ जाते हैं, और कहते हैं आज मैं आपको प्लेजर दूंगा। तो फिर जो जिमिन युंगी होता है कहते हैं कि नहीं बोलता है उसको किस करने लगता है, उसकी फुल बॉडी पे किस करो तो उसकी शर्ट को बहुत फाड़ी देता है, और उसकी ना ये स्पीड देखे ना जो जिमिन होता है वो ना फर्स्ट शौक हो जाता है, उसके बाद चकल करता है हमने ना बेबी की ना पेशेंसनेस पे इम्पेशेंस पे, तो उसको ना वो किस कर रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद मैंने जो युंगी तो वो ना फुली नेक्ट हो जाता है, जिमिन को ना सीड्यूस करने लग जाता है फुली, उसकी ना लैप ना हल्का सा जैसे मूव होने लगता है, उसको सीड्यूस कर रहा था फुली नेक्ट हो गया। उसके बाद जो जिमिन था उसे कंट्रोल किया था, और वो ना युंगी को लटा देता है, उसके ऊपर आ जाता है, उसको ना किस करना दोबारा स्टार्ट कर देता है, उसकी निपल्स को ना बाइट कर रहा था, और जो युंगी होता है वो ना मौन कर रहा था, और फिर कहते कि ना हस्बैंड आई लव यू सो मच, तो ना जो जिमिन होता है कहते हैं आई लव यू टू। और उसके बाद फिर ना वो ना उसके अथरा देखते हैं उसको ना प्रिपेयर करना लगता है, और जो जो जिमिन होता है वो जुंगे तो वो ना मौन करो तो बहुत जोर जोर से। उसके बाद जो वो कहते हैं कि ना बेबी तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा, उसके बाद तुम्हें बिल्कुल हेवन जैसा फील होगा। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो जुंगे अपना सर हाँ में लाते थे, उसके बाद जो जिमिन है वो उसके अंदर ना स्लोली स्लोली एंटर होने लगता है, और उसके बाद जो जिमिन है वो एक जोर युंगी एक जोर से चीख मारता है, और जो युंगी होता है जिमिन होता है वो रुकता नहीं, और उसके बाद स्लोली फुल एंटर हो जाता है, तो ना स्लोली इन और आउट होने लगता है। और जो युंगी था पहले तो उसके ऐसे ट्रेस फुल रहते हैं, उसको पेन हो जाता है, बट 5 मिनट्स बाद उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, और ना जिमिन को ना फास्ट जाने का कहता है, तो फिर ना जिमिन कहता है ऐसी विश पे भी वैसे बोलता है, और उसके बाद ना उसको एक हार्ड थ्रस्ट करता है, जैसे जो युंगी तो वो ना डार्क मोन करता है, और उसके बाद फिर ना उनके बाद उनकी नाइट एक्टिविटी शुरू हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा राउंड्स लेते हैं, फुल नाउट्स लेते हैं, और फुल मेजर में ना उन्हीं की आवाज़ें गूंज रही थी, सिर्फ उन्हीं की नहीं हमारे देखो की और ना नामजीर की, और बाकी सब भी अपने अपने यही काम कर रहे थे, और जो उनके बच्चे थे वो उनके नैनीज के पास थे। और यहीं पर ना ये स्टोरी ख़त्म होती है, होप आप सबको अच्छी लगी हो, और टाटा बाय बाय।